नमस्कार, व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम समाचार के ही आगे वाले टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था, उसकी शब्दावली को समझा था। अब हम समाचार के प्रकार और उनके बारे में कुछ विस्तृत जो समाचार को बताने के लिए जरूरी होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समाचार के 6 प्रकार क्या होते हैं। प्रकार, प्रकार का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसी विशेषता जिससे समाचार को जाना जाता है। कैसे, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, इन पर आधारित समाचार होता है। इन्हीं पर आधारित होता है कि क्या हुआ, कौन था, कहां गए, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सारी चीजें समाचार के अंतर्गत पूछी जाती है, फिर उसको समाचार में लिखा जाता है। इंट्रो, इंट्रो उसे कहते हैं जो समाचार की प्रारंभिक पंक्तियां होती है, जहां से इंट्रोडक्शन होता है कि हम किस न्यूज को बता रहे हैं, किसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण घटना को पहले प्रस्तुत किया जाता है और घटते क्रम में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड ऐसे पिरामिड है, ये देखिए सबसे बड़ी खबर, फिर धीरे 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 और उसको घटते क्रम में उसको खत्म कर दिया जाता है, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। समाचार जो हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हमने कैप्शन देखे होंगे अलग अलग, कोई छोटा कैप्शन आता है, कोई तरह तरह के आते हैं, कोई कॉलम में आते हैं, तो एक उल्टा पिरामिड में भी आता है जिसमें ऐसे बने होते हैं और बड़ी खबर से ऐसे ऐसे खत्म उसको कर देते हैं, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। फिर आता है हार्ड और सॉफ्ट न्यूज, किसे कहते हैं, दैनिक घटनाओं से जुड़ी खबरें हार्ड न्यूज कहलाती है, जैसे कि अपराध है, कोई दुर्घटना है, कोई ऐसी चीज हो जो हार्ड न्यूज के संबंधित होती है, और संवेदनशील खबरें सॉफ्ट न्यूज से संबंधित होती है। तो हार्ड न्यूज किसे कहते हैं, जो दैनिक घटना अपराध ये जो होते हैं वो हार्ड न्यूज, और संवेदनशील जो घटनाएं होती है वो सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। फिर होता है पटकथा, पटकथा कोई भी समाचार लिखने के लिए उसकी पटकथा दमदार होनी चाहिए। हमने देखा होगा कि जब हम अखबार पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाओं का फ्रंट पेज पे उल्लेख किया जाता है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट जो होती है वो दमदार होती है और लोग उसे पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो सबसे पहली घटना ही ऐसी होती है आगे आगे फ्रंट पेज पर, उसको बड़ा हाइप करके लिखा जाता है, बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, वो दमदार होनी चाहिए, उसे पटकथा कहते हैं। फिर होता है प्रसारण, इन चीजों का प्रसारण कहाँ किया जाता है, तो रेडियो यह खाली श्रव्य साधन है, श्रव्य का मतलब सुनने योग्य हो, रेडियो पर हम ज्यादा इसको विस्तृत रूप से समझ नहीं पाते हैं। दूसरा आता है हमारा टेलीविजन, टेलीविजन जो है यह हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों साधन है, इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो यह एक दमदार साधन के रूप में। और तीसरा जो सबसे दमदार साधन है इंटरनेट, टेलीविजन पर भी बात आएगी, इंटरनेट में उसी समय फ्लैश हो जाती है, उसी समय पता चल जाता है, नेट सबसे बड़ा साधन है इस मीडिया को, इस समाचार को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से हमने समाचार के 6 प्रकारों को पढ़ा, इंट्रो को पढ़ा, उल्टा पिरामिड शैली को समझा, हार्ड व सॉफ्ट न्यूज को देखा, पटकथा देखी और प्रसारण में इन तीनों चीजों को देखा। तो इस तरह से हमारा समाचार लिखा जाता है, समझा जाता है, उनके बारे में 2 अंक का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, आशा है आपको ज्यादा समझ में आया होगा। धन्यवाद।